और डीएनए में आज का अगला विश्लेषण आपकी सेहत और आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। जब भी आप टीवी पर कोई शो देखते हैं तो कुछ समय बाद ब्रेक होता है और इस ब्रेक में आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी, फिल्म स्टार कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचते हुए नजर आते हैं। जिस तरह के विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा उन प्रोडक्ट्स का होता है जिसमें आपको स्मार्ट और स्टाइलिश बनाने का दावा किया जाता है। आप इन विज्ञापनों पर भरोसा करते हैं और किसी मशहूर ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। आपको पूरा भरोसा होता है कि ये प्रोडक्ट सही होगा और उसके इस्तेमाल के बाद आपकी लुक्स में बदलाव आ जाएगा। लेकिन आपको हम सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि आपको स्टाइलिश लुक देने वाले प्रोडक्ट से आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। यह दावा दुनिया की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर के प्रोडक्ट को लेकर किया गया है। यूनिलीवर कंपनी के 6 ब्रांड और उसके 19 प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कैंसर होने की आशंका जताई गई है और ये सारे प्रोडक्ट्स ड्राई शैंपू से जुड़े हैं। ड्राई शैंपू, यूनिलीवर एक अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका के ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जारी किए गए एक नोटिस में कहा गया है कि इसके कुछ प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से लोगों को कैंसर हो सकता है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वेबसाइट की। इसलिए यूनिलीवर ने ऐसे प्रोडक्ट्स को रिकॉल यानी कि वापस लेने का फैसला किया है। अभी आप यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट देख रहे हैं और इस पर जो नोटिस है उसे आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स में बेंजीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से कंपनी ने प्रोडक्ट्स वापस लेने का फैसला लिया है। कंपनी ने 6 ब्रांड जिसमें डव है, नेक्सस है, सोवे है, ट्रेस्मे है और बेडहेड के साथ साथ रॉक हॉलिक है, इसके प्रोडक्ट को वापस लेने का फैसला किया। ये सारे प्रोडक्ट ड्राई शैंपू सेगमेंट से जुड़े हैं। डव ब्रांड के 8 प्रोडक्ट, नेक्सस ब्रांड के 2 प्रोडक्ट, सोवे ब्रांड के 2 प्रोडक्ट, ट्रेस्मे ब्रांड के 3 प्रोडक्ट, बेडहेड के 3 प्रोडक्ट और रॉक हॉलिक के 1 प्रोडक्ट को रिकॉल किया जा रहा है। और जिन प्रोडक्ट को वापस लिया जा रहा है उन सभी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर ड्राई शैंपू से जुड़े इन सभी प्रोडक्ट की तस्वीरों को जारी किया गया है। यूनिलीवर ने अक्टूबर 2021 से पहले बने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में वापस लेने का फैसला किया है। अभी तक आपने जिन प्रोडक्ट्स की तस्वीरें देखी उनमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसका इस्तेमाल आप भी करते होंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी इन प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया जाएगा या फिर भारत में बिक रहे प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमने यूनिलीवर और हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक ईमेल किया और उनसे जवाब मांगा। यूनिलीवर अमेरिका की कंपनी है और वो भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL के नाम से कारोबार करती है। HUL BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। ये कंपनी देश में कई मशहूर ब्रांड के तहत अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और इस मामले में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जो जवाब दिया वो हम चाहते हैं कि आप देखें। कंपनी ने कहा है कि HUL भारत में ना तो ड्राई शैंपू बनाती है और ना ही ड्राई शैंपू भारत में बेचती है। ये कंपनी का जवाब है, हमें मेल के जरिए उन्होंने रिवर्ट किया है और उसका जो जवाब है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिलीवर US और कनाडा में अपनी मर्जी से अक्टूबर 2021 से पहले बने ड्राई शैंपू के चुनिंदा लॉट कोड को सावधानी से वापस ले रही है, क्योंकि एक आंतरिक जांच के बाद बेंजीन होने की पहचान की गई और कंपनी का यह भी कहना है कि उनके द्वारा करवाई गई स्वतंत्र जांच में यह पाया गया कि शैंपू में पाए गए बेंजीन की मात्रा सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। अगर कंज्यूमर्स का कोई सवाल है तो वो आधिकारिक जानकारी के लिए www.unileverrecall.com पर जा सकते हैं। ये कंपनी का जवाब है, यानी इस कंपनी से जब हमने पूछा कि क्या भारत में इस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, जैसे आपने रिकॉल की बातें अमेरिका में बताई है जिनके दावे किए गए हैं, तो कंपनी ने हमें आधिकारिक तौर पर यह बताया कि हमने भारत में इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया है। दूसरी तरफ भारत में इसकी बिक्री नहीं हो रही है। अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्से हैं जहां पर इन प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है, लेकिन कंपनी अपनी स्वेच्छा से इसे रिकॉल कर रही है। यानी अपने मेल के जरिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने यह दावा किया कि भारत में ना तो कोई ड्राई शैंपू बनाती है वो और ना ही बेचती है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई भारत में HUL के ड्राई शैंपू प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं।
लेकिन हमने इसका रियलिटी चेक किया तो सच्चाई कुछ और देखने को मिली और हम चाहते हैं कि उस सच्चाई से आप भी जुड़े। अमेरिका और कनाडा में यूनिलीवर ने अपने कई तरह के शैम्पू ब्रांड्स को वापस करा। इसके पीछे का रीजन ये था कि इन शैम्पूज में यूनिलीवर ने यह पाया कि इसके अंदर बेंजीन था। एक बेंजीन एक तरह का कार्सिनोजन है जिससे किसी भी व्यक्ति को कैंसर तक की हो सकता है। अब इसके ऊपर जब हम लोगों ने यूनिलीवर से जवाब मांगा, क्योंकि भारत में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर कई तरह के शैम्पूज को बनाती है, तो उनका ये जवाब आया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में ना ही ड्राई शैम्पूज को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ना ही बेचती है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में जिन शैम्पूज में बेंजीन मिली थी, कार्सिनोजन मिला था, वो ड्राई शैम्पू थे जिनका प्रयोग स्प्रे के द्वारा करा जाता था, क्योंकि उन्हें स्प्रे करके लोग अपने बालों में लगा लेते थे। अब जब हम लोगों ने अमेजोन पे यही चीज़ सर्च करी, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में हिंदुस्तान यूनिलीवर के, या फिर यूँ कहें यूनिलीवर के, जो डव और ट्रेस्मे इन दो ब्रांड्स के ड्राई शैम्पूज में यहाँ पे कार्सिनोजन मिला था, बेंजीन मिला था, तो जब हम लोगों ने यहाँ पे डव ड्राई शैम्पू यहाँ पे सर्च करा अमेजोन पे, तो आप ये देखिए 550 रुपये का डव का ड्राई शैम्पू बिक रहा है, 548 रुपये का डव का ड्राई शैम्पू बिक रहा है, ये आप देखिए। और जो उसकी डिलीवरी दिखाई जा रही है, डिलीवरी दिखाई जा रही है 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में। अब आप इसको एक बार हम लोग ओपन करते हैं, आपको एक बार ये दिखाते हैं, ये आप देखिए डव ड्राई शैम्पू फ्रेश कोकोनट फॉर ऑयली स्कैल्प एंड कोकोनट स्वीट लाइम सेंट एब्जॉर्ब, ये आप देखिए 550 रुपये इसकी कीमत है। और ये आप देखिए, ये शैम्पू है डव का ये। अब क्योंकि यूनिलीवर का कहना था कि वो इसे भारत में ना ही बनाता है और ना ही बेचता है, तो ये आप देखिए यहाँ पे यूनिलीवर का, ये आप देखिए यूनिलीवर का लोगो है यहाँ पे, ये आप देखिए इसको हम लोगों ने जूम करा है। तो एक चीज़ तो सच है कि जो यूनिलीवर है वो भारत में अपने शैम्पूज को बेच रहा है। अब आइए आपको इसे हम दिखाते हैं खरीद के, ये देखिए ये हम लोग बाई नाउ के ऑप्शन में गए, इसके ऊपर क्लिक करा बाई नाउ पे हम लोगों ने, और अब ये आप देखिए यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट ही मांग रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी है इसकी, और तकरीबन 606 रुपये इसकी कीमत बताई जा रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको इसलिए दिखा रहे हैं एक तरह से बताने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये दावा था कि ये शैम्पूज भारत में ना ही बिकते हैं और ना ही इन्हें मैन्युफैक्चर करा जाता है। ये यहाँ से हम लोगों ने पेमेंट कर दिया इसका, बस जो विंडो है वो यहाँ पे विंडो रिफ्रेश होने जा रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बस सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बहुत ही बड़ा दावा करा था, जो उसने हम लोग को अपना बयान जारी करा, अपना स्टेटमेंट दिया कि भारत में शैम्पू नहीं बिकते हैं। लेकिन अब ये देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है, मेरे एड्रेस पर ऑर्डर प्लेस हो गया, और एस्टिमेटेड डिलीवरी क्या है 1 नवंबर से 3 नवंबर, ये आप देख लीजिए ऑर्डर प्लेस्ड, थैंक यू, भारत में डिलीवरी हो रही है, ये आप देखिए। यानी अमेरिका में जिस शैम्पू को रिकॉल किया गया है और ये दावा कंपनी ने किया कि भारत में वो इस प्रोडक्ट को बेचता ही नहीं है, मेल पर लिखित में उन दावों का आधार ही झूठा निकला। हमने मेल के बाद जब पूरा ये रियलिटी चेक किया तो वो दावे आपके सामने थे, यानी ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और रियलिटी चेक में आपने देखा कि डव के ड्राई शैम्पू भारत में बिक रहे हैं। जब हमने इस मामले पर फिर से हिंदुस्तान यूनिलीवर से जवाब मांगा तो उन्होंने कोई भी जवाब अब तक नहीं दिया है। और सामान्य तौर पर जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं ये शैम्पू उससे अलग होता है। शैम्पू इस्तेमाल करने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल बिना पानी के स्प्रे की तरह किया जाता है, जिस तरह से आप डीओ या परफ्यूम स्प्रे करके इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आप ड्राई शैम्पू को सिर के बालों पर स्प्रे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई शैम्पू में जिस केमिकल की वजह से पूरा विवाद हो रहा है वो है बेंजीन। दरअसल बेंजीन केमिकल को कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा जाता है, और कार्सिनोजेन यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिससे कैंसर हो सकता है। बेंजीन का संपर्क सांस के जरिए मुंह के रास्ते और त्वचा के माध्यम से हो सकता है, और बेंजीन वाले ड्राई शैम्पू को अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो सांस के जरिए ये आपके शरीर के भीतर जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की एक रिसर्च में पता चला है कि ऑयल रिफाइनिंग, रासायनिक उत्पादन और जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी बेंजीन के ज्यादा संपर्क में रहते हैं। इसकी वजह से ल्यूकेमिया की दर ऊंची थी, और ल्यूकेमिया को आम बोलचाल में ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इसके बाद यह माना गया कि अगर शरीर में बेंजीन ज्यादा मात्रा में जाए तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस रिपोर्ट के अलावा
और एक दूसरी रिसर्च में भी ये खुलासा हुआ कि बेंजीन से सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर होने की संभावना है। वैसे डॉक्टरों का मानना है कि बेंजीन से ब्लड कैंसर के अलावा ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, किडनी कैंसर भी हो सकता है। यानी जिस ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल आप खुद को स्टाइलिश बनाने के लिए या फिर समय बचाने के लिए कर रहे हैं, वो आपको बीमार कर रहा है। बेंजीन और ड्राई शैम्पू को लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की, आपको भी सुनना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेंजीन 1979 में IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर ने इसको कार्सिनोजन यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट का दर्जा दे दिया था। उसके बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं इसके यूसेज में। बेंजीन आमतौर पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है और बहुत सारे रबर इंडस्ट्री वगैरह में, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। डिफरेंट एजेंसीज इसमें बताती है कि जो पार्ट्स पर मिलियन, अगर 8 घंटे का एक्सपोजर, यानी कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें 0.1 to 1 पार्ट पर मिलियन 8 घंटे की वर्क ड्यूरेशन में आप उसका एक्सपोजर बॉडी सहन कर सकती है। बट अगर शॉर्ट एक्सपोजर है, यानी 15 मिनट से कम का एक्सपोजर है, तो 1 to 5 पार्ट्स पर मिलियन तक का एक्सपोजर ले सकती है बॉडी विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, मतलब उसमें फिर कोई क्षति नहीं होती पेशेंट इंसान को। सो डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज है इनमें इस्तेमाल हो रही है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ यूज़ करते हैं और काफ़ी मात्रा में भी लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न बन सकता है, एक चिंता का कारण बन सकता है और इस पर एक चेक जरूरी है। अगर इनहेल्ड बेंजीन है उसमें लंग कैंसर, पेशाब की थैली के कैंसर, किडनी कैंसर और भी कई तरीके के कैंसर, यानी यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी पड़ सकता है। तो ये एक नहीं कई सारे कैंसर, बट सबसे ज्यादा जो इसका लिंक पाया गया था वो ब्लड कैंसर से पाया गया था। बेंजीन एक कार्सिनोजन है जो लिक्विड पेट्रोल एटम प्रोडक्ट से बनता है। बेंजीन आपके शरीर में जब एब्जॉर्ब होता है, वो चाहे आपकी स्किन के कॉन्टेक्ट से हो, आपके खाने से हो या इनहेलेशन से हो, वो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है उसको अल्टर कर देता है। बेंजीन जो एक्सपोजर है वो बहुत सारे ब्लड कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड किया गया है। बेंजीन को पाया गया है एरोसोल प्रोडक्ट्स में, जो प्रोपेलेंट प्रोपेन जो एरोसोल कैन बनाने के लिए यूज होते हैं उसके अंदर बेंजीन की मात्रा पहचानी गई है और ज्यादा मानी गई है। और बेंजीन सिर्फ एरोसोल आपके ड्राई शैम्पू में ही नहीं, बेंजीन आपको एरोसोलाइज सनस्क्रीन में भी मिलता है, आपको एरोसोलाइज हेयर स्प्रे में भी मिलता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एरोसोलाइज प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप कम से कम इस्तेमाल करें। बेंजीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी से 48 आवर्स में निकल जाता है, जो उसके मेटाबोलाइट्स हैं वो लिवर में और स्प्लीन में रह जाते हैं। आजकल हमेशा ये पूछा जाता है कि दुनिया में कैंसर्स क्यों बढ़ रहे हैं। कैंसर्स इसीलिए बढ़ रहे हैं, एक तो उनकी डिटेक्शन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, जल्दी पकड़े जाते हैं, और दूसरा हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो नॉर्मल हार्मोन्स को मिमिक करते हैं। वर्ष 2020 में दुनिया में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का कुल बाजार 22 लाख करोड़ रुपए का था और कॉस्मेटिक मार्केट में स्किन केयर सेगमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 42% है, जबकि हेयर केयर सेगमेंट का हिस्सा 22% है। हेयर केयर सेगमेंट में शैम्पू, ऑयल के अलावा और भी कई प्रोडक्ट आते हैं, और अगर केवल शैम्पू की बात की जाए तो इसमें शैम्पू और कंडीशनर, रेगुलर शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, मेडिकेटेड शैम्पू और ड्राई शैम्पू आते हैं। हिंदुस्तान में वर्ष 2015 से लेकर 2020 के बीच में शैम्पू मार्केट में हर साल 11% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है और देश में वर्ष 2015 से लेकर 2020 के बीच में शैम्पू की 9,363 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई है। और आंकड़ों के मुताबिक देश में रेगुलर शैम्पू के मुकाबले एंटी डेंड्रफ शैम्पू की बिक्री में ज्यादा तेजी आई है। यानी जैसे जैसे नए नए तरह के शैम्पू बाजार में आए, उनका इस्तेमाल भी उतना ही बढ़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में शैम्पू का बाजार कितना बड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी शैम्पू की अलग अलग कैटेगरी लॉन्च की जाएंगी और ऐसे में आप भी प्रोडक्ट खरीदते समय ख्याल रखें। वैसे जब भी किसी प्रोडक्ट को लेकर आगे विवाद खड़ा होता है तो आपको हम ये भरोसा दिलाते हैं कि DNA में उस प्रोडक्ट से जुड़ी खबर का पूरा विश्लेषण और रियलिटी चेक जरूर करेंगे, जिससे कि आप
ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। और डीएनए में हमारा मकसद न केवल खबर दिखाना है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ आपको जागरूक भी करना है, और इसलिए यह जरूरी था कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानें।